सेकुलरिज्म के मुद्दे पर विजय मानकर ने दिया बड़ा बयान, बोले नेशन स्टेट एक धर्म के आधार पर चले तो लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का होता है हनन, इसलिए सेकुलर देशों में राज्यों के साथ धर्मों का नहीं होता है संबंध। प्रकाश राज के सेकुलर इंडिया पर भी बोले मानकर, फिल्मों में विलेन होना मायने नहीं रखता, रियल में हीरो है प्रकाश राज। सेकुलर इंडिया के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले कन्नड़ एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रकाश राज को लेकर विजय मानकर ने कहा है कि पिक्चर्स में भले ही विलेन के रोल में रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लोग रियल में हीरो होते हैं, ऐसे लोगों की मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि सेकुलरिज्म नेशन स्टेट की बेसिक बात होती है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी नेशन स्टेट एक धर्म के आधार पर चले तो लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन होता है। कोई भी राज्य या राष्ट्र धर्म को दूर रखकर ही नेशन स्टेट के तौर पर विकसित किया जा सकता है, जिसके दुनिया में कई उदाहरण देखने मिल सकते हैं। विजय मानकर ने यह भी कहा कि सेकुलर का अर्थ कभी भी सर्वधर्म संभव नहीं होता है, बल्कि सेकुलर का मतलब धर्मों के साथ राज्यों का कोई संबंध नहीं होता है। राज्यों की जो नीतियाँ हो वो संविधान के तहत, मानवाधिकारों के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संचालित हो, इसे ही दुनिया में धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। Farming should be a state issue, education should be a state issue, health should be a state issue, and somebody from Delhi cannot do it, and it's actually talking about the need from the people. The ideology is basically, it is the same, you need to be secular. Pictures mein villain ke role mein, lekin aise log real hero hote hain, to aise logon ko main appreciate karta hu. Aur secularism dekhiye, secularism to ye nation state ka basic baat hai. अगर कोई भी नेशन स्टेट अगर एक धर्म के आधार पर चले जाए तो फिर लोगों के जो राइट्स है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है या इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, ये इनका वायलेशन होता है। तो नेशन स्टेट यानी जो कोई भी हमारा राज्य बन रहा है या कोई राष्ट्र बन रहा है, उसका ये बेसिक ही होना चाहिए कि वो धर्म को दूर रखेगा, और धर्म को दूर रख के ही वो नेशन स्टेट डेवलप हो सकता है। और जो भी नेशन स्टेट्स, आप जर्मनी देखिए, आप जर्मनी पहले रेसिज्म की तरफ जा रहा था, आज जर्मनी एक, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट शैल रिमेन सेकुलर, लेकिन जो राष्ट्र आप देखिए, पाकिस्तान देखिए हमारे पड़ोस में, उसने धर्म के आधार पर नहीं रखी, वो कहाँ है आज, आप उसको देखिए। चाइना को देखिए, चाइना किसी धर्म को नहीं मानता, वो भले ही लोकतंत्र नहीं है लेकिन वो सेकुलर कंट्री है, सेकुलर नेशन है। तो मैं समझता हूँ अमेरिका जो है, भले ही वहां पर रिलीजन को मानते हो लोग, लेकिन अमेरिका जो है वो सेकुलर कंट्री है। रशिया को देखिए, वो सेकुलर कंट्री है। तो आप देखेंगे जापान, भले ही उसमें बुद्धिज्म है लेकिन वो एक तरीके से सेकुलर कंट्री है, भले वहां किंग का भी बहुत बड़ा रोल है लेकिन वो सेकुलर कंट्री है। तो दुनिया में फ्रांस को देख लीजिए, और भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, साउथ अफ्रीका को देख लीजिए या ब्राजील को देख लीजिए, जितनी कंट्रीज आपको दुनिया में प्रोग्रेसिव कंट्रीज दिख रही है, वो सारे लोग प्रैक्टिकली जो है वो सेकुलर कंट्रीज है। तो सेकुलर जो है वो होना चाहिए, और सेकुलर का सिंपल मीनिंग होता है, सेकुलर का सर्वधर्म संभाव ये मीनिंग नहीं होता। सेकुलर का मतलब, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म का राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होगा। राज्य की जो पॉलिसी है वो संविधान के हिसाब से, जो भी संविधान कहता है, मानव अधिकार और बाकी चीजें कहता है, उसके हिसाब से होगी। ये सेकुलरिज्म की कंसेप्ट है। जो यहाँ कहा गया है कि सर्वधर्म संभव या धर्म निरपेक्षता है, वो सही नहीं है, दैट इज नॉट सेकुलरिज्म।